इसी बीच हम आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स और ममता सरकार के बीच अभी भी तकरार जारी है। बार बार कोशिश की जा रही है, मीटिंग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मीटिंग फेल हो रही है। दोनों पक्ष कुछ मिनट के लिए मिले तो जरूर, लेकिन मुलाकात बैठक में तब्दील नहीं हुई। मीटिंग के लिए तैयार नहीं हुए, टेबल पर बैठ करके जो बात होनी चाहिए वो बात नहीं हो रही है। डॉक्टर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि मीटिंग तब तक नहीं होगी जब तक आप लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, मतलब उस मीटिंग को इंटरनेट पे या फिर लोगों के पास ये सुविधा रहे कि लाइव देख सकें, लाइव स्ट्रीमिंग हो। लेकिन ममता बनर्जी ने लाइव स्ट्रीमिंग पर असमर्थता जताई है। সামনে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তোমরা ভিজবে না, আমার এটা অনুরোধ থাকলো। কেন ভিজছো? তোমাদের জন্য আমি তো জায়গা করে রেখেছি। আর আমি আবার বলি, তোমাদের চিঠিতেও কোথাও লাইভ স্ট্রিমিং এর কথা লেখা নেই, আমাদের চিঠিতেও লেখা নেই। আমরা টোটালটাই রেকর্ড করে রাখছি এবং তোমাদের শেয়ার করব আমরা মিনিটস, এবং এটা আমরা কেউই রিলিজ এখন করবো না, যেহেতু কোর্টে কেস চলছে। আমরা এটা সময় মতো কোর্টের কেসটা একটু শেষ হয়ে গেলে তোমাদের দিয়ে দেবো। তোমাদের তো একদিন মার্চ করতে পারো যে আমরা টোটালটাই রেকর্ড করবো, নিশ্চিন্তে থাকো, এইটুকু আমার প্রতি ভরসা রাখতে পারো। তোমাদের মিসলিড করবো না, তোমাদের কোনোই করবো না। आइए हम सीधे ग्राउंड पर प्रकाश से जानकारी लेते। प्रकाश, ये किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको रिकॉर्डिंग मिल सकती है, लाइव स्ट्रीमिंग पॉसिबल नहीं है, इसके पीछे की वजह? और स्टूडेंट्स लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ही इतने एडमिट क्यों है, वो उसी पे अड़े क्यों है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। मान मनवल का दौर जारी है। हमने देखा दो दिन पहले मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो नबान्नो पहुंच गए थे, वहाँ भी लाइव स्ट्रीमिंग होना है ऐसा डिमांड उनकी तरफ से किया गया था, लेकिन चूंकि ममता बनर्जी उस पर राजी नहीं हुई, वो फिर वापस आ गए। कल हमने देखा ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था, यहाँ जो राजनीतिक विश्लेषक है, दोपहर में ममता बनर्जी पहुँच जाती है जहाँ धरना स्थल है, जहाँ मेडिकल स्टूडेंट धरने पर बैठे थे, अचानक पहुँच जाती है बिना किसी को बताए, मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था। और उसके तुरंत बाद हमने देखा कि मेडिकल स्टूडेंट्स जो धरने पर बैठे थे उनकी तरफ से एक मेल किया जाता है कि वो बैठक करना चाहते हैं। शाम 6 बजे का वक्त सीएम की तरफ से दिया जाता है और तय समय से 15-20 मिनट के बाद वो वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वही पुराना डिमांड कि लाइव स्ट्रीमिंग करना होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग करना होगा। बात बन रही नहीं रही थी, लगभग 1.5 घंटे तक हमने देखा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजी जो राज्य के हैं और चीफ सेक्रेटरी गेट के सामने खड़े हैं, बारिश में भींग रहे थे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट जो धरने पे बैठे थे, बाहर खड़े थे। बिल्कुल प्रकाश, कुल मिलाकर ये है कि स्टूडेंट्स को भरोसा नहीं है, एतबार नहीं है, ये बड़ी बात है। कुल मिलाकर के लबो लुआब यही है। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब